और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान के नाम से इसे जाना जाएगा। दरअसल दिल्ली नगर निगम पार्कों और अस्पतालों के नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का विचार कर रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका नाम अटल जी के नाम पर रखा जाना है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ऐतिहासिक रामलीला मैदान का नाम अब अटल जी के नाम पर रखे जाने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे 30 अगस्त को सदन की बैठक में रखा जाएगा। तो रामलीला मैदान जो कि कई बड़े ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है, अब ये रामलीला मैदान अटल जी के नाम से जाना जाएगा, जहां नॉर्थ एनसीडी के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है। रामलीला मैदान का नाम बदलने का ये प्रस्ताव आया है अटल जी के नाम पर। अब विभिन्न पार्कों और मैदानों के नाम रखे जाएंगे, जहां अटल जी के निधन के बाद बीजेपी खेमे से ये बात सामने आई थी कि कई महत्वपूर्ण मार्गों और भवनों के नाम अब अटल जी के नाम पर रखे जाएंगे, जिसकी अब शुरुआत भी हो चुकी है। एक बैठक हुई जिसमें रामलीला मैदान को अब अटल जी के नाम से जाना जाए, इसे लेकर प्रस्ताव रखा गया है। और अदिति नागर हमारे संवाददाता जुड़ी हैं। अदिति, रामलीला मैदान जो कि ऐतिहासिक आंदोलन और कई कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, अटल जी के नाम से अब ये जाना जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, रामलीला मैदान साक्षी है कई ऐसे कार्यक्रमों का और अब वो और कई आंदोलनों का वो गवाह रहा है। और दिल्ली का एक ऐतिहासिक रामलीला मैदान अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अगली सदन की बैठक 30 अगस्त को इस प्रस्ताव को पारित होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और सदन की बैठक में लाया जाएगा इस प्रस्ताव को। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदेश गुप्ता ने बताया, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान में अटल जी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया था, जिसकी उनकी यादों को सजोने के लिए रामलीला मैदान का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी रामलीला मैदान रखने का फैसला ले लिया गया है। ठीक अदिति, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर, जहां दिल्ली से मैदान का नाम रामलीला मैदान का नाम अब अटल जी के नाम से जाना जाएगा, इसे लेकर प्रस्ताव रखा गया है और आगे देखना होगा कि कब तक रामलीला मैदान का नाम चेंज होता है।